फ्रेंड्स, पंजाबी नीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही सुंदर और आसान केबल डिज़ाइन, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो इस सिलाई में मैंने 32 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारी के लिए, टोटल 34 फंदे डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सारे फंदे सीधे बुनें। शुरू से लेकर आखिर तक हमने ये सभी फंदे सीधे बुने हैं। ये हमारी एक नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। दो नंबर सिलाई में उल्टी तरफ से पहला फंदा उतारें। ये एक फंदे को हमने 2 बार धागा घुमाकर बुनना है। जैसे हमने ये फंदा बुना है, वैसे ही हमने आखिर के एक फंदे तक सभी फंदे बुनने हैं। ऐसे पहले एक बार धागा घुमाएंगे, फिर दूसरी बार और इसे बुन लेंगे। एक बार धागा घुमाएंगे, दूसरी बार घुमाएंगे और बुन लेंगे। लास्ट का एक फंदा छोड़कर हमने बाकी सभी फंदे ऐसे ही 2 बार धागा घुमाकर बुन लेने हैं। और ये लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। 3 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें। ये जो हमने 2-2 बार धागा लपेट कर फंदे बनाए हैं, इन्हें हमने ऐसे खोल लेना है। खोलने के बाद अब हमने इनकी केबल बनानी है। तो केबल बनाने के लिए पहले हमने केबल राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम ये पीछे वाले 2 फंदे ऐसे आगे ले आएंगे और आगे वाले 2 फंदे पीछे ले जाएंगे और इन चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हम अगले 4 फंदों को खोलेंगे। इन्हें खोलने के बाद अब हम ये फंदों को लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे। तो ये 2 फंदे हम आगे वाले पीछे ले जाएंगे और पीछे वाले 2 फंदे आगे लाएंगे और ऐसे इन्हें लगाने के बाद चारों फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा 8 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे फिर हमने इन्हीं 8 फंदों के पैटर्न को रिपीट करना है। पहले 4 फंदों को खोलकर हम राइट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद सीधे बुनेंगे फिर हम अगले 4 फंदों को ऐसे ही खोलेंगे। खोलने के बाद इन्हें लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुनेंगे। ऐसे हम ये लास्ट के एक फंदे तक इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। और ये लास्ट वाला फंदा हम सीधा करेंगे। 4 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सारे फंदे उल्टे बुनें।
तो ये हमारी चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो आगे पांच नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सारे फंदे सीधे बुनें। छह नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, ये फंदों को हम दो बार धागा घुमाकर उल्टा बुनेंगे। पहले एक बार धागा घुमाएंगे, फिर दो बार धागा घुमाएंगे और बुन लेंगे। ऐसे हम लास्ट के एक फंदे तक सभी फंदों को दो बार धागा घुमाकर उल्टा बुन लेंगे। लास्ट का फंदा उल्टा बुनें। सात नंबर सिलाई में, सात नंबर सिलाई में हम पहले की तरह ही केबल बनाएंगे, लेकिन जो फंदे हम पहले हमने राइट हैंड साइड ट्विस्ट किए थे उन्हें हम अब की बार लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे, और जो पहले लेफ्ट हैंड साइड किए थे उन्हें अब राइट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे। तो उससे ये हमारा बॉक्स जैसे बन जाएगा। तो देखिए कैसे करना है। पहला फंदा उतारेंगे, ये फंदों को पहले हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ये पहले हमने राइट हैंड साइड ट्विस्ट किया था, तो अब हम इन्हें लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे। तो उसके लिए ये पहले दो फंदे हम पीछे वाले आगे लाएंगे, आगे वाले पीछे लेकर जाएंगे, और फिर चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये चार फंदे सीधे बुनने के बाद फिर अगले चार फंदे खोलेंगे, और खोलने के बाद इन्हें राइट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे। तो उसके लिए ये दो फंदे हम ऐसे लेंगे और पीछे वाले दो फंदे आगे ले आएंगे, और इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे ही हमारा बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो आगे फिर हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, दो फंदों को लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे, चारों फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर अगले फंदों को खोलेंगे और उन्हें राइट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुनेंगे। लास्ट के एक फंदे तक हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो ये हमने सभी फंदों को बुन लिया है और ये लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। आठ नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ऐसे हमारे ये आठ सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।